नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय की तरफे हमारी सरकार ने एकलव्य विद्यालय की कल्पना की। उसमें लगभग 29,000 करोड़ रुपया की स्पेंडिंग हो रही है, ये 91,000 के ऊपर। मिनिस्ट्री की एलोकेशन की अगर मैं आपके सामने एक उदाहरण दूं, '14-'15 में हम लोग जब जिम्मेवारी लिए तब ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की एलोकेशन होती थी, खर्चा होती थी 3,832 करोड़ रुपया। आज उसकी खर्चा पहुंची है 8,500 करोड़ रुपया। कहां मैंने लगभग मोर देन 100% की ग्रोथ हुई है। इससे प्रमाणित करती है मोदी जी ने समाज की इस वंचित वर्गों के बारे में अत्यंत संवेदनशील तरीके से जिम्मेवारी लिया है, उनकी एम्पावरमेंट उनको कराने के लिए फिनेंशियल एलोकेशन बढ़ाया है, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और सांस्कृतिक उत्थान और उनकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज देना करना। आज मेरे और कोई साथियों ने आपके सामने इस विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अगर 2-3 विषय आपके सामने उल्लेख करूंगा। भारत में अब तक अपेक्स लेवल पे यानी राष्ट्रीय स्तर पे जनजातियों के बारे में रिसर्च करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी भारत सरकार की ओर। पहली बार नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। राज्यों में भारत सरकार की अनुदान से राज्य स्तर पे ट्राइबल रिसर्च होती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये एक आश्चर्य की बात है। इसलिए पहली बार जैसे अटल जी ने पहली बार ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री किया, ऐसे ही मोदी जी ने नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किया।